अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार ऑनलाइन एकेडमी में डॉक्टर मनोज कुमार सैनी मैं आपका स्वागत करता हूं। और कल हम लोगों ने भारत के जो भौतिक प्रदेश है या स्थलाकृतिक प्रदेश जिसको हम कहते हैं, उसका महान हिमालय जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो गृह कार्य के लिए प्रश्न दिए थे वो सबसे पहले हल करेंगे। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो देखिए, भौतिक प्रदेश में ही महान मैदान या विशाल मैदान हमारे थार का मरुस्थल, और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन आज हम करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए। सबसे पहले कल के गृह कार्य के प्रश्न हम हल करते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापारिक मार्ग के लिए चीन और भारत से, और सिक्किम को भारत का अंग मानने का भी एक अप्रत्यक्ष रूप से दायित्व मतलब अधिकार हमको मिला है, चीन ने दिया है, क्योंकि पहले वो सिक्किम को अपना हिस्सा मानता था। तो हमें ध्यान देना है कि नाथुला दर्रा कहां पर है, यह है सिक्किम के अंदर। तो अगला प्रश्न देखिए, धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियां किसका भाग हैं? तो बताइए इसमें से किसका भाग है ये, ए ट्रांस हिमालय, बी महान हिमालय, सी लघु हिमालय और डी शिवालिक हिमालय। तो किसका, कौन सी श्रेणियों का भाग है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां, बताएं, ट्रांस का नहीं तो लघु हिमालय का। तो लघु हिमालय को जम्मू और पंजाब के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष रूप से पीर पंजाल कहा जाता है, और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर धौलाधर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम श्रेणी देखनी है हमको, ए अरावली, बे सहयाद्री, सी शिवालिक और डी विंध्यन। तो बताइए सबसे नवीन किस श्रेणी का भारत में निर्माण हुआ है, बताइए, ये हुआ है शिवालिक का, लगभग 110,000 साल पहले जो प्रायद्वीपीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में पास आई तो उस समय शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडिला चोटी स्थित है? तो बताइए बोमडिला चोटी कौन से राज्य में स्थित है, ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड और डी अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए किस राज्य में बोमडिला चोटी स्थित है, कौन से में, अरुणाचल प्रदेश, सभी का सही है, वेरी गुड। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भूटान के जस्ट पूर्व के अंदर ये बोमडिला चोटी और बोमडिला जो दर्रा है वो स्थित है। आगे देखें, मिरी मिशमी अबोर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए कौन से राज्य में स्थित है ये, ए सिक्किम है, बी उत्तराखंड है, सी अरुणाचल प्रदेश और डी नागालैंड। तो ये कौन से राज्य में स्थित पहाड़ियां हैं, बताएं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आप देखिए काराकोरम कंचनजंगा, बी महान हिमालय गौरीशंकर चोटी और सी लघु हिमालय गंगा चोटी और डी मोरनी पहाड़ियां और कहोर करोह चोटी। तो बताइए कौन सा इसके अंदर सही होगा, ए काराकोरम जो है उसकी कंचनजंगा चोटी नहीं है, कंचनजंगा चोटी महान हिमालय में सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और भारत की सबसे ऊंची चोटी में से दूसरे नंबर की चोटी भी है। बाकी महान हिमालय में गौरीशंकर है, लघु हिमालय जो है गंगा चोटी और गंगा गंगोत्री ग्लेशियर के पास में ही है, और मोरनी पहाड़ियों के अंदर जो कि कहाँ पर है, हरियाणा और पंजाब में फैली हुई है मोरनी पहाड़ियाँ शिवालिक की, करोह चोटी उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल श्रेणी है? तो सबसे पहले ए काराकोरम, धौलागिरी, लद्दाख और जांस्कर में से हमको देखना है कि कौन सी जो है चोटी किस हिमालय के किस खंड के अंदर है। तो एक ही खंड की चोटियां सुमेल है और दूसरे खंड की चोटी बेमेल है, तो कौन सी है दूसरे खंड की चोटी, वो है धौलागिरी, ये महान हिमालय की है, बाकी सारी जो श्रेणियां हैं वो है ट्रांस हिमालय की और इनके नाम से चोटियां भी हैं। चलिए आगे चलें, लघु हिमालय का नाम सिक्किम में क्या है?
यानी इस लघु हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो सिक्किम का नाम क्या है? ए धौलाधर, बी डोक्या श्रेणी, सी डफला बूम और डी मोरनी। तो बताएं सिक्किम के अंदर लघु हिमालय को क्या कहते हैं? कहा जाता है डोक्या श्रेणी। इसके अंदर धौलाधर श्रेणी जो है वो कहां पर कहा जाता है? हिमाचल में। डफला बूम किस में कहा जाता है बताइए? इसमें कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और मोरनी पंजाब और हरियाणा में, पंचकुला के आसपास के क्षेत्र में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो लघु हिमालय की श्रेणी कौन सी नहीं है? ए महाभारत, बी धौलाधर, सी लद्दाख और डी पीर पंजाल। तो इसमें से कौन सी श्रेणी है जो लघु हिमालय का भाग नहीं है? यह है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? यह है ट्रांस हिमालय का, यानी महान हिमालय के भी उत्तर में जम्मू कश्मीर और तिब्बत में फैले हुए हिमालय का भाग है लद्दाख श्रेणी। अगला प्रश्न देखें, कौन सा हिमनद काराकोरम श्रेणी में नहीं है? तो काराकोरम श्रेणी के हिमनद आपको बताए थे मैंने, इसमें से कौन सा हिमनद है जो काराकोरम के अंदर नहीं है? पहला है मिलाम, बी बास्फो, सी बालतोरो और डी हिस्पार। तो बताएं कौन सा हिमनद काराकोरम का नहीं है? यह है मिलाम। तो मिलाम हिमनद जो है काराकोरम का नहीं, महान हिमालय का है। आगे देखें, जम्मू व कश्मीर में सिंधु नदी कौन सी श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी दो श्रेणियों के मध्य से ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है? देखिए इसमें काराकोरम और लद्दाख, लद्दाख और कैलाश, जांस्कर व लद्दाख और जांस्कर कैलाश। तो बताइए कौन सी श्रेणी है जिसके मध्य में से सिंधु नदी प्रवाहित होती है या सिंधु की घाटी है? तो इसका आंसर होगा सी, जांस्कर और लद्दाख के बीच में से होकर के सिंधु नदी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम तथा स्थिति। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और वह कहाँ स्थित है ये बताना है। बताइए ए कंचनजंगा और सिक्किम में, बी केदारनाथ उत्तराखंड में, सी गोडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर में और डी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। तो बताइए कौन सी चोटी भारत की सर्वोच्च चोटी है और कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये है गोडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड में लघु हिमालय श्रेणियों पर स्थित घास मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर जो लघु हिमालय में घास मैदान है उनको किस नाम से हम जानते हैं? ए है मार्ग, बी है बुग्याल, सी दून और डी द्वार। तो बताएं घास मैदानों को क्या कहते हैं और वो भी उत्तराखंड के। तो ये कहा जाता है बुग्याल और पायार, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो घास मैदान है लघु हिमालय पहाड़ियों में वह कहलाते हैं बुग्याल और पायार, जहां गुजर और बकरवाल जाति जनजाति के लोग अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। तो यह है बुग्याल, जबकि मर्ग यह है जम्मू कश्मीर के घास मैदान और फूलों के घाटियां जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। ये थी दून और द्वार, यह है पहाड़ियों के बीच में शिवालिक और जो ये पहाड़ियां हैं लघु हिमालय इनके बीच के अंदर स्थित घाटियां हैं दून और द्वार, जो कि उत्तराखंड में कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखें, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं सही नहीं चुनना है। ए हिमालय का उद्भव इओसीन से प्लिस्टोसीन के मध्य तृतीय काल में हुआ है, बी हिमालय एक नवीन खंड पर्वत है, सी हिमालय यूरेशियन प्लेट से भारतीय प्लेट की टक्कर का परिणाम है और डी हिमालय का निर्माण 33 सागर की अवसादी चट्टानों से हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी। अब इसमें देखिए जो हिमालय पर्वत है वो एक नवीन वलित पर्वत है ना कि खंड पर्वत। तो इसमें यह ध्यान देना था एक एक शब्द पर कि हिमालय पर्वत नवीन तो है लेकिन खंड या ब्लॉक पर्वत नहीं है। इसका मतलब धरातल एकदम से ऊपर या नीचे उठने से यह नहीं बना है, वलन अवसादी चट्टानों में वलन पड़ने से यह बना है। तो नवीन वलित पर्वत है ना कि खंड पर्वत, तो इसको ध्यान देना है एक एक शब्द पर। बाकी सारे ऑप्शन सही थे। अब इसमें देखें जो आज हम पढ़ेंगे उस टॉपिक्स में से, तो गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न को देखें हम, तो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर प्रश्न आया, ये देखिए, मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, तो किस व्यक्ति ने मेघालय का नाम सुझाया था?
इसको देखिए, ए एसपी चटर्जी द्वारा, बी डीएन वाडिया द्वारा, सी ओएचपी स्पेट द्वारा और डी आरएल सिंह के द्वारा। तो इसको देखेंगे हम जब हम मेघालय का वो पढ़ेंगे तो किस व्यक्ति ने मेघालय का नाम सुझाया था। अगला प्रश्न देखें, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में आए दोनों प्रश्न। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी हमको देखनी थी, ए अनाईमुडी, बी नीलगिरी, अमरकंटक और गोमनपुर। तो ये चोटियों के बारे में हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है, ए भूमध्य सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो ये कौन से उसमें है हमको देखना है। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसको देखते हैं। तो भारत का महान मैदान, सबसे पहले जो दूसरा हमारा धरातलीय स्थलाकृतिक स्वरूप है वो है भारत का महान मैदान। तो भारत का महान मैदान यदि देखें तो देखिए डायग्राम के अंदर आपके मानचित्र में देखें तो ये हरा वाला जो भाग है ये भारत का महान मैदान है। तो पूरा पंजाब से लेकर और असम तक और इधर गुजरात राजस्थान से लेकर इधर पंजाब तक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और का भाग और झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश इनके भाग और असम का भाग इसमें शामिल होता है। तो ये संपूर्ण भाग जो है वो है भारत का विशाल मैदान या भारत का महान मैदान। तो भारत के इस मैदान के अंदर जो स्थिति है वो हिमालय के ये दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में स्थित है। तो विंध्याचल या प्रायद्वीपीय पठार और जो हिमालय पर्वत हैं उनके मध्य में स्थित ये विशाल मैदान है जो कि हिमालय के निर्माण के बाद हिमालय के ऊपर का जो कीचड़ था, जो मिट्टी थी, वो नदियों ने लाला कर यहाँ पर इस गर्त में जमा दिया। जो 33 सागर का गर्त वाला भाग बच गया था उसके अंदर जमाने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसको देखें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये संपूर्ण मध्यवर्ती भाग के अंदर फैला हुआ है और विश्व का सबसे घना बसा हुआ मैदान भी है। इसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व भारत के अंदर लगभग यहाँ तक असम तक, पंजाब से लेकर असम तक लगभग 2400 किलोमीटर है भारत के अंदर। इसमें पाकिस्तान वाला हिस्सा शामिल नहीं है। आगे देखें तो इसकी चौड़ाई पूर्व के अंदर 50 किलोमीटर से लेकर मध्यवर्ती भाग में इस जगह पर इसकी चौड़ाई जो है 480 किलोमीटर तक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इस मैदान के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं? तो सिंधु अपवाक्रम की नदियां, साथ में घग्गर और इसकी पांचों सहायक नदियां हैं सिंधु की और घग्गर भी है जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके बाद गंगा अपवातंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवातंत्र, ये दोनों अपवातंत्र मिलकर के मध्य भारत का मैदान, पूर्वी भारत का मैदान और पश्चिमी भारत का मैदान सिंधु नदी बनाती है। तो ये समस्त भाग इधर पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर फैला हुआ है, यानी तीन देशों में फैला हुआ मैदान है ये। अब देखें विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण क्या है, यानी भूगोल के आधार पर विशाल मैदान को इन चार भागों के अंदर बांटा जाता है। तो सबसे पहले यदि पहाड़ियों को देखें अपन यहां पर, तो पहाड़ियों से उतर करके नदियां आती हैं और अपने साथ कंकर बजरी पत्थर और ये लेके आती हैं। जैसे ही पर्वत पदीय भागों के अंदर धरातल का ढाल यानी पहाड़ी का ढाल कम हो जाता है और मैदानी भागों के अंदर प्रवेश करने लगती है तो अपने साथ लाए हुए कंकर पत्थर बजरी के ढेर को नदियां पर्वत पदीय भागों में ही निक्षेपित कर देती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस भावर प्रदेश के अंदर पूरे बोल्डर बजरी कंकर पत्थर आदि रहते हैं और उन कंकर पत्थरों के बीच में से होकर नीचे से होकर के नदियों का पानी बहता है और तराई में जाकर के पुनः पानी प्रकट हो जाता है। जैसे तो उस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जैसे तराई में प्रकट हो गया और धीरे धीरे नदियां अपना आकार लेने लगती है और दलदलीय भूमि और नमी युक्त भूमि मिलती है। तो शिवालिक पहाड़ियों के आगे सबसे पहले भावर प्रदेश आएगा, उसके बाद फिर तराई प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तराई प्रदेश के बाद जो बाढ़ का मैदान आ जाता है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र के बाढ़ का मैदान, जैसे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार में और नेपाल के दक्षिणी भाग में, तो उस भाग के अंदर जहाँ नदियाँ बहती है वहाँ पर एक तो जहाँ नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं जाता, बाढ़ का पानी, वो कहलाता है बांगर प्रदेश।
जहाँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी स्थित है, वो नदी की तलहटी से काफ़ी ऊंचा होता है। और खादर जो प्रदेश है, इसके अंदर देखिए प्रतिवर्ष नदियों का पानी पहुंचता है। तो प्रतिवर्ष नदियों का पानी पहुंच जाता है तो एक मिट्टी की नई चादर बिछ जाती है और नवीन मिट्टी के इस दोमट मिट्टी के इस भाग को हम कहते हैं खादर मिट्टी। तो ये खादर प्रदेश है जिसके अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ के समय, बारिश के समय बिछ जाती है नदियों के द्वारा लाकर, उसे हम खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो ऊंचे भाग हैं, ये ऊंचे भाग हैं, उनको कहते हैं बांगर, जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, कई सदियों में जाकर के कभी कभी पहुंच पाता है। लेकिन प्राचीन काल में ये भूभाग भी नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से ही बना था, तो इसे बांगर कहा जाता है। यहां पर भी दोमट मिट्टी है लेकिन कंकर पत्थर सहित दोमट मिट्टी पाई जाती है। जबकि भावर प्रदेश पर्वतों के बिल्कुल तलहटी के पास पर्वत पदीय भागों में कंकर पत्थर बजरी का ढेर होता है, जहां नदियां भी लुप्त हो जाती हैं। और तराई प्रदेश के अंदर इस भावर प्रदेश में लुप्त हुई नदियां पुनः प्रकट होने लगती है धरातल पर, तो ये दलदलीय प्रदेश होता है। तो ये चारों भौगोलिक प्रदेश जो है वो विशाल मैदान के प्रदेश कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो पहाड़ों से जैसे ही नदी उतरेगी नीचे तो यहाँ पर भावर प्रदेश बनेगा, फिर उसके बाद जब धरातल समतल हो जाएगा तब तराई प्रदेश आएगा, जब नदियां पुनः प्रकट होने लगेगी। और उसके बाद आगे चलेंगे तो मैदानी भागों के अंदर नदी के पास पास खादर प्रदेश होगा ये वाला, और नदी से दूर जो प्राचीन काल में नदियों ने लाके जमाया था वो होगा बांगर प्रदेश। तो इसको ध्यान रखना है क्रम भी, सबसे पहले पर्वतपदीय भागों में भावर, फिर उसके बाद में तराई, फिर खादर और बांगर, दोनों साथ में ही आएंगे। खादर यहाँ पर नदी के पास और बांगर थोड़ा नदी से दूर, लेकिन नदी द्वारा निक्षेपित मिट्टी का ढेर वही बांगर कहलाता है, पुरानी ढेर। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो जो हमारे स्थलाकृतिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश है उसका जो भौगोलिक वर्गीकरण हमने बात करी वो ये है भावर। भावर के बारे में विवरण मैंने बताया आपको फोटोग्राफ और मानचित्र से। अब देखिए भावर क्या कहलाता है। शिवालिक पर्वत पदीय क्षेत्र में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर कंकर पत्थर बजरी और का ढाल युक्त जो मैदान है वो मैदान क्या कहलाता है, जलोढ़ पंख युक्त मैदान है, उसे हम भावर प्रदेश कहते हैं। नदियां वहां पर भूमिगत हो जाती हैं और कृषि हेतु ये प्रदेश अनुपयुक्त रहता है। केवल थोड़े बहुत जो वृक्ष उगते हैं, उन लंबी जड़ों वाले वृक्ष उगते हैं जिससे कि नीचे से पानी ले पाएं, कंकर पत्थरों से होकर के नीचे मिट्टी तक जाते हैं, तो इसे कहते हैं भावर प्रदेश। उसके बाद आता है तराई प्रदेश। भावर के आगे दक्षिण के अंदर तराई प्रदेश है। ये अलग अलग स्थानों पर इसकी चौड़ाई अलग अलग है। इसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मिलती है। तो भूमिगत नदियां धरातल पर पुनः प्रकट होने लगती हैं और यहाँ पर अत्यधिक गीली मिट्टी या दलदलीय मिट्टी पाई जाती है, नमी युक्त मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी कहलाती है। तीसरा आता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश को हमने देखा और खादर प्रदेश, ये मैदानी भागों के अंदर है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो प्राचीन काल में नदियां ला करके मिट्टी निक्षेपित की है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ का मैदान बांगर प्रदेश, जहां वर्तमान में बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद आता है खादर प्रदेश, जहां नदियां प्रतिवर्ष बहती रहती है और बाढ़ के समय नवीन मिट्टी का जमाव कर देती है। तो प्रतिवर्ष जहां पर नवीन मिट्टी का जमाव होता है नदी घाटी बेसिन में, उसे हम कहते हैं खादर प्रदेश। और दोमट मिट्टी जो नवीनतम दोमट मिट्टी पाई जाती है इसी खादर मिट्टी भाग में पाई जाती है। इसके बाद डेल्टाई प्रदेश होता है और डेल्टा जो होता है वो कांप मिट्टी यानी नदी के द्वारा बहुत ही बारीक मिट्टी ले जा करके जमाई जाती है, तो उसे डेल्टा प्रदेश कहते हैं। तो खादर का ही अंतिम भाग जो होता है वो डेल्टाई प्रदेश कहलाता है। अब देखें विशाल मैदान के जो है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले विशाल मैदान को यदि देखा जाए तो विशाल मैदान कहाँ तक है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड का कुछ भाग इसमें आ जाता है। तो ये पूरा भाग क्या कौन सा भाग है, इसे कहते हैं हम भारत का विशाल या महान मैदान। तो इसमें एक एक करके देखिए, अब सबसे पहले देखें तो पंजाब का मैदान या इसको पश्चिमी मैदान भी कहा जाता है। तो इस भाग के अंदर जो आता है हरियाणा, पश्चिमी दिल्ली का कुछ भाग आ जाता है और पंजाब का संपूर्ण भाग आ जाता है भारत के अंदर, और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत का कुछ भाग आ जाता है। तो ये हुआ हमारा पंजाब का
भाग। अब दूसरा देखें तो ये गंगा का मैदान है। तो भारत के मध्यवर्ती भाग के अंदर ये गंगा का मैदान है, जो कि पूरा का पूरा दिल्ली वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश का कुछ भाग, और इधर बिहार और झारखंड का थोड़ा सा भाग, और इसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल का भाग। तो ये संपूर्ण रूप से भारत के अंदर फैला हुआ गंगा का विशाल मैदान है। इसके बाद तीसरा आता है, वो आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये तीन भागों के अंदर हम विशाल मैदान को प्रादेशिक वर्गीकरण है, भौगोलिक में तो हम क्या करते हैं, भावर, फिर तराई, फिर उसके बाद कौन सा था, खादर और बांगर और डेल्टा, ये है भौगोलिक वर्गीकरण। और प्रादेशिक वर्गीकरण के अंदर देखते हैं तो आता है पंजाब का मैदान पश्चिम में, इसको पश्चिमी मैदान भी कह देते हैं, यमुना नदी के पश्चिम में है ये। और इसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान, और उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसे मध्यवर्ती भारत का मैदान भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण में, सबसे पहला आपने देखा वह है पंजाब का मैदान। तो ये देखिए ये वाला भाग पंजाब का मैदान है। इस पंजाब के मैदान के अंदर मुख्य रूप से सिंधु अपवा क्रम और गग्गर नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। तो सिंधु अपवा क्रम के अंदर जो सबसे दक्षिण में है सतलज नदी और व्यास नदी, उसके बाद रावी नदी। ये विशेष रूप से सतलज, व्यास और रावी नदियों के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी के अंदर दक्षिणी जम्मू कश्मीर का भाग भी आ जाता है, जिसमें चिनाब और झेलम नदियों का भाग भी शामिल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज, ये पांच नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है। इसे देखें, इसके बाद जो हरियाणा और पंजाब, जो पूर्वी पंजाब और हरियाणा के अंदर मैदान है, वो है घग्गर का मैदान। शिवालिक पहाड़ियों के पास कालका की पहाड़ियों से निकलकर ये घग्गर नदी प्राचीन काल से बह रही है, और प्राचीन काल के अंदर इसका नाम था दृश्यद्वती या सरस्वती भी इसको कहते थे। तो ये घग्गर का मैदान है, और राजस्थान में जाकर हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ये लुप्त हो जाती है। वर्तमान में बहुत अधिक पानी वर्तमान में नहीं बहता इसका। तो इसे घग्गर और सतलज व पंच नदियों का समूह इसको कहते हैं। तो आगे देखते हैं पंजाब का मैदान, देखिए सिंधु सतलज का मैदान है ये, और इसके साथ साथ घग्गर भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, झेलम उत्तर से दक्षिण देखें तो चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और उसके बाद आती है घग्गर। तो इन पांचों नदियों के द्वारा और छठी घग्गर के द्वारा लाई गई, हिमालय से लाई गई मिट्टी के जो निक्षेपण हुआ है, उसके कारण ये जलोढ़ मैदान या दोमट मिट्टी का मैदान बना है। ये कौन कौन से राज्यों में है, दक्षिणी जम्मू, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अंदर, थोड़ा सा भाग गंगानगर हनुमानगढ़ का इसके अंतर्गत आता है। अब दोआब किसे कहते हैं, और ये दोआब के नाम प्रसिद्ध हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि जो नदियों के द्वारा ही निक्षेपित मिट्टी से बनी है दोआब कहलाती है। यानी दो नदियां हैं, मान लीजिए सतलज और व्यास नदी है, तो सतलज और व्यास नदियों के बीच का भाग जो मैप में देखें हम, तो ये देखिए इसके अंदर जो दोआब क्षेत्र दिखाए गए हैं, तो दो नदियों के बीच के भाग को, जैसे ये वाला है, जैसे ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये सारे भाग क्या कहलाते हैं, दोआब क्षेत्र कहलाते हैं। इनका नाम अलग अलग दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन से दोआब का नाम क्या है। तो सबसे पहले देखें तो आता है सिंध सागर दोआब। ये सिंध सागर दोआब दो नदियों के मध्य में स्थित है। पहली नदी है सिंधु नदी, ये रही, और दूसरी नदी है झेलम नदी। तो झेलम और सिंधु के मध्य में स्थित दोआब का नाम क्या हो गया, सिंध सागर दोआब। इसको उत्तर से दक्षिण क्रम से याद रखना है आपको, तो मैप के अंदर बार बार देखेंगे आपको आराम से याद होगा। सबसे पहला आ गया सिंध सागर दोआब, फिर दूसरा देखते हैं हम तो कौन सा आ गया, झेलम और चिनाब नदी के मध्य, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो झेलम और चिनाब नदी के मध्य आ गया कौन सा दोआब, छाज दोआब। तो छाज भी लिखा हुआ रहता है, ऐसे भी किताबों में लिखा हुआ है छाज और छाज दोआब, तो ज्यादातर फेमस है छाज दोआब, क्योंकि हमने चै तो लिया चिनाब से और झे लिया हमने झेलम से। तो इस तरीके से ये दोआब बना हुआ है। तो इसमें देखें ये वाला जो दोआब है छाज दोआब, ये यहां पर है। इसके बाद दोआब आता है रेचना दोआब। रेचना दोआब जो है वो है यहां पर चिनाब नदी और यहां पर रावी नदी। तो रावी नदी और चिनाब नदी के मध्य वाला भाग रेचना दोआब कहलाता है। यहां पर भी रे लिया हमने रावी से और चे लिया हमने चिनाब से, तो रेचना बना दिया चे और ना। तो रेचना दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच है, उत्तर से दक्षिण में तीसरा दोआब है,
और कौन कौन सी नदी के बीच है, ऊपर चिनाब और नीचे रावी, इसको ध्यान रखना है। आगे चलें, चौथा दोआब यह है बिस्त दोआब। यह चौथा दोआब जो है वो देखिए व्यास नदी यहां पर और सतलज नदी यहां पर, तो व्यास और सतलज के मध्य में बना हुआ हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तरी हरियाणा के अंदर बना हुआ मैदान है, जिसे हम कहते हैं बिस्त दोआब। और लास्ट में कौन सा दोआब आ गया, बारी दोआब, यह है व्यास और रावी नदी के मध्य। तो व्यास और रावी नदी के मध्य वाला ये दोआब है, इसे बारी दोआब कहते हैं, और ये दोआब भी पंजाब और पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के छह नदियां हैं, सिंधु और उसकी पांच सहायक नदियां, इनके मध्य पांच दोआब स्थित हैं, इसे ध्यान रखना है। सिंध सागर, चाज, रेचना, बारी और बिस्त, ये करके पांच दोआब इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंतर्गत जो भूमि मिलती है उसमें कुछ अलग अलग नामों से जानी जाती है, तो ये विविध तथ्यों के रूप में हमको पढ़ना है। बेट किसे कहते हैं, तो पंजाब में खादर भूमि, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, ऐसी भूमि को, जहां बाढ़ से नई चादर पिज जाती है मिट्टी की, ऐसी भूमि को हम क्या कहते हैं, बेट। तो जो सतलज, रावी, व्यास और ये जो नदियां पंजाब में बाढ़ लेके आती हैं, वो बाढ़ग्रस्त भूमि को क्या कहा जाता है, बेट। फिर है दूसरा चो, तो सहायक नदियों द्वारा निर्मित गढ़, जैसे बहुत सारी चंबल की सहायक नदियां और पंजाब की सहायक नदियां नीचे दक्षिण पश्चिम के अंदर बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ धरातल बना देती है, मिट्टी को काट कर, 2 मिनट मिट्टी को काट कर खाइयां बना देती है, उसे पंजाब के अंदर क्या कहा जाता है, चो। और राजस्थान में क्या कहा जाता है, बीहड़। तो इसे ध्यान रखना है, राजस्थान में बीहड़ या खड्ड कहते हैं अपन, और चो कहते हैं पंजाब के अंदर। अब देखें तल्ली किसे कहते हैं, तो पंजाब के अंदर टीलों के मध्य जो निर्मित खड्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टीलों के मध्य निर्मित गर्त, उसको चो कहते हैं, यानी बालू का टीले हैं उसके बीच में जो गड्ढा होता है उसे चो कहा जाता है। और ढाड़, ये भी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र में टीलों के बीच में जो पानी भर जाता है बारिश के समय, जो गड्ढों के अंदर पानी भर जाता है उसे ढाड़ कहा जाता है, और राजस्थान के अंदर इसे क्या कहते हैं, हम रण कहते हैं। तो जैसे टीला, ये टीले हैं, बीच में ये टीला था, ये इधर भी टीला है और बीच में गड्ढे के अंदर पानी भर गया, तो जैसे पोकरण, थोबरण, ये राजस्थान में कहलाते हैं। और प्लाया झील, इसे फेमस नाम, जो वर्ल्ड फेमस नाम है इंग्लिश में, उसे कहते हैं प्लाया झील, जबकि हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में इसे ढाड़ भी कहा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है, विभिन्न नाम है इनके। अगला देखते हैं हम मध्यवर्ती मैदान। तो जो मध्यवर्ती मैदान है वो कहाँ पर है, यमुना नदी से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश का कुछ भाग और बिहार का कुछ भाग, झारखंड का कुछ भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, मध्यवर्ती मैदान। इसे जो है भारत के अंदर ये 1400 किलोमीटर लंबा है और 300 से 400 किलोमीटर इस क्षेत्र में, 400 किलोमीटर और इस क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसे ध्यान रखना है। इस मध्यवर्ती मैदान के तीन उपभाग करते हैं हम, तो पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निचला गंगा का मैदान। तो इसके तीन उपभाग किए जाते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मैदान यमुना और गंगा नदियों के मध्य का मैदान है, और गंगा नदी और यहां पर जो कोसी नदी है उसके मध्यवर्ती मैदान जो कहलाता है वो कहलाता है मध्य गंगा का मैदान। और कोसी से लेकर के और पश्चिमी बंगाल के अंदर बांग्लादेश की सीमा तक का मैदान कहलाता है निचला गंगा का मैदान, तो ये इनको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके लेते हैं हम, ऊपरी गंगा का मैदान देखें सबसे पहले। तो ये पूर्व से पश्चिम 550 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण ये लगभग कितनी लंबाई में फैला हुआ है, जस्ट पिछली स्लाइड में बताया था मैंने पश्चिम में, तो इसमें देखना है। ये दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक, जो गंगा यमुना का संगम होता है वो इलाहाबाद तक ये फैला हुआ है, तो दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक का गंगा यमुना के आसपास का क्षेत्र का दोआब क्या कहलाता है, पश्चिमी गंगा का मैदान या ऊपरी गंगा का मैदान भी कहते हैं इसे। इस क्षेत्र के अंदर यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा नदियां प्रवाहित होती हैं और चंबल नदी दक्षिणी भाग से आकर के, इस दक्षिणी भाग से आकर के विंध्याचल पहाड़ियों से आकर के पूर्वी राजस्थान होते हुए इस यमुना नदी में मिलती है। तो
चंबल का मैदान भी इसी के अंदर सम्मिलित है। इसके साथ साथ कालीसिंध, जो पार्वती नदी है, बेतवा नदी है, इनका भी मैदान इसी के अंदर शामिल है। ये जो भाग है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इसमें ध्यान रखें कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर दिल्ली हो गया, हरियाणा का कुछ भाग हो गया, पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग इसमें शामिल होता है। अगला जो मैदान है वह है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है वो देखिए इलाहाबाद से लेकर यहाँ पर भागलपुर तक बिहार के अंदर, जहाँ पर कोसी और ये नदियाँ मिलती हैं, गंगा नदी, उस क्षेत्र तक, उसके थोड़ा सा आगे तक ये मैदान फैला हुआ है। इस भाग के अंदर घाघरा का पूर्वी भाग, गंडक, कोसी, सोन और टोस नदियाँ विशेष रूप से प्रवाहित हो रही हैं। तो इसके अंदर देखें तो इस वाला भाग घाघरा का पूर्वी भाग आ गया, फिर गंडक नदी आ गई, कोसी नदी यहाँ पर आ गई, टोस नदी आ गई, इधर से सोन नदी आ गई। तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो नदियाँ इस भाग के अंदर प्रवाहित होती हैं। और ये जो भाग है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, झारखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ का कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है। तो ये कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड के थोड़े से भाग के अंदर, ये वाला भाग झारखंड का आता है, उसके अंदर फैला हुआ है। तो इसमें लिखना है यहाँ पर वह झारखंड। तो झारखंड का क्षेत्र आ जाएगा। तो इस झारखंड के अंदर भी ये फैली हुई है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तरी मध्य भाग में जो ये वाला भाग है, उत्तर का मध्यवर्ती भाग, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो यहाँ पे हो गया, तो उत्तर का जो मध्यवर्ती भाग है इसे हम रुहेलखंड का मैदान कहते हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला जो भाग है, इसको देखें आप, ये वाला भाग रुहेलखंड का मैदान कहलाता है, जहाँ घाघरा गंडक नदियाँ बहती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला भाग है उसे हम अवध का मैदान कहते हैं। तो ये रुहेलखंड और अवध के मैदान के बारे में भी आपको पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना है। मध्यवर्ती गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग रुहेलखंड है और मध्यवर्ती भाग अवध है। इसके बाद यहाँ पर बिहार का और यहाँ पर झारखंड का मैदान सम्मिलित होता है। ये वाला मैदान जो है, बिहार का मैदान, बहुत ही कम ढाल वाला मैदान है, इसलिए प्रतिवर्ष कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है और उसके कारण ये बिहार का शोक कहलाती है। तो इसे ध्यान रखना है हमें कि मध्यवर्ती जो मैदान हो गया, टोटल लंबाई कितनी है इसकी, 600 किलोमीटर और चौड़ाई 300, औसत चौड़ाई जो है वो 330 किलोमीटर है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे कि मध्यवर्ती गंगा के मैदान के अंदर विशेष रूप से ये पूछा जाता है, रुहेलखंड और अवध, एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा कोसी नदी, बिहार का शोक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है हमें। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो निचला गंगा का मैदान कौन सा है, तो निचला गंगा का मैदान देखें तो भागलपुर से आगे बिहार के अंदर निचला गंगा का मैदान प्रारंभ हो जाता है यहाँ से, और पश्चिमी बंगाल जो राज्य है उसका समस्त भाग और जो हुगली वाला क्षेत्र, डेल्टा का हुगली और भागीरथी वाला क्षेत्र है, जो वितरिकाएँ हैं, उसे हम निचला गंगा का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, जो बांग्लादेश के अंदर जमुना कहलाती है। तो यहाँ तक का भाग निचला गंगा का मैदान कहलाता है, लेकिन इसका कुछ पूर्वी भाग बांग्लादेश में स्थित है। हमें पढ़ना है भारत का निचला गंगा का मैदान, तो ये इसकी अंतिम सीमा बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की सीमा होती है। यहाँ पर बहुत ही बारीक मिट्टी, बहुत ही उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है और इस क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से तिस्ता, जलढाका, टोरसा, भागीरथी और हुगली वितरिकाएँ बहती हैं। तो जहाँ पर तिस्ता नदी जो है वो देखिए उत्तर से निकल करके इस भाग के अंदर प्रवाहित होती है। इसी के साथ साथ छोटी नदियां हैं जलढाका और टोरसा, तो ये नदियां प्रवाहित हो रही हैं, जबकि भागीरथी और हुगली जो वितरिकाएं हैं वो इस क्षेत्र के अंदर से प्रवाहित होती हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे, दक्षिणी भाग के अंदर भागीरथी और हुगली वितरिकाएं हैं, जबकि उत्तरी भाग के अंदर तिस्ता, टोरसा ये नदियां हैं। ये संपूर्ण भाग पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा भाग आता है, वो फैला हुआ है। इस संपूर्ण भाग की लंबाई को देखें तो 580 किलोमीटर इस संपूर्ण भाग की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चौड़ाई को देखें तो अधिकतम 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसको ध्यान रखना है, ये 200 किलोमीटर चौड़ा है पूर्व से पश्चिम, जबकि लंबाई उत्तर से दक्षिण के अंदर इसकी 580 किलोमीटर है। आगे चलें,
निचला गंगा का मैदान। निचले गंगा के मैदान के अंदर कुछ विशेषताएं हैं, तो यहां पर कुछ क्षेत्र मिलते हैं जिसे बिल कहते हैं, तो बिल के नाम से पूछा जाता है। ये विसर्प भूमि है, तो इसके अंदर देखें तो नदियां कैसे बहती हैं विसर्प आकार के अंदर ऐसे करके, और तो इस क्षेत्र के अंदर जो विसर्प आकार के अंदर नदियां बहती हैं तो इस प्रकार का दलदलीय क्षेत्र बन जाता है, और यह दलदलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, बिल कहलाता है पश्चिमी बंगाल के अंदर। फिर आता है राड क्षेत्र। राड क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जो बिल्कुल सपाट समतल भूमि होती है, इसके आसपास का क्षेत्र बिल के आसपास का क्षेत्र ही होता है जो सपाट समतल भूमि होती है, जहां पर नमी कम होती है, यानी बाढ़ का पानी कम पहुंचता है, ज्वार का पानी कम पहुंचता है, तो वह राड क्षेत्र होता है। इसी के साथ साथ ये वाला पूरा डेल्टाई क्षेत्र, इसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक जो है ज्वारीय वन उगते हैं, ज्वारीय वृक्ष उगता है जिसकी जड़ें पानी के अंदर रहती है और तने को ज्वारीय पानी से ऊपर उठा के रखती है, यानी जड़ों का कुछ भाग हमें धरातल के ऊपर दिखाई देता है, तो वह सुंदरी वन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब भूमि होती है चर, तो चर भूमि डेल्टाई प्रदेश में वह भूमि होती है जहां पर ज्वार का पानी नहीं पहुंचता। तो ज्वार का पानी नहीं पहुंचता तो कुछ बस्तियां जैसे कुछ घर जो हैं वो बना लेते हैं लोग बाग, और इस क्षेत्र के अंदर पानी जो भूमि होती है वो शुष्क होती है। तो ऐसी भूमि जो डेल्टाई क्षेत्र के अंदर ऊपर उठी हुई है, यानी बाढ़ के समय, बहुत अधिक बाढ़ के समय मिट्टी जम गई और वह भाग ऊंचा उठ गया, तो ऐसी भूमि को हम कहते हैं चर भूमि, जो कि बस्तियां बसाने के लिए काम आती है और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है उस क्षेत्र में। डेल्टाई प्रदेश की कांप मिट्टी पाई जाती है जो जलोढ़ का ही एक प्रकार है। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान और जो विशाल मैदान है उसका अंतिम भाग, तो ये पूरा का पूरा। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में धुबरी से लेकर पश्चिम में जो धुबरी है स्थान और पूर्व के अंदर सदिया है, तो धुबरी से लेकर सदिया तक का फैला हुआ है। यहां से लेकर यहां तक ये 650 किलोमीटर लंबा है और लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा है, और पूर्वी भाग के अंदर तो ये 25 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है, तो लगभग ये 100 किलोमीटर चौड़ा सकड़ा भाग है, जो कि कहां कहां पर स्थित है ये देखिए। इधर शिलोंग का पठार, ये पूरा शिलोंग का पठार आ गया, और इधर शिवालिक और लघु हिमालय की कुछ श्रेणियां इसके अंतर्गत आ गई, तो इनके मध्य में फैला हुआ बहुत ही सकड़ा घाटी का मैदान है, इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी भारत का मैदान। इसमें देखिए एक इस मैदान के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, वह नदी जो है वो माजुली द्वीप है इसके अंदर, जो कि नदी के मध्य में स्थित बहुत बड़ा द्वीप है जिसको अब जिला भी बना दिया गया है। तो माजुली को बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्षों में इसको माजुली को एक जिला असम के अंदर जिला बना दिया गया, और माजुली जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। दूसरे और प्रमुख द्वीपों के अंदर पीकॉकक द्वीप जो है वो आता है, जो कि माजुली के ही थोड़ा सा उत्तर के अंदर है। ये पीकॉकक द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में ही स्थित द्वीप है, तो इसे ध्यान रखेंगे। माजुली द्वीप विशेष रूप से पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में आ चुका है और चर्चा में भी रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला चलते हैं हम, जो भौगोलिक प्रदेश है भारत का, वह मैदान का ही एक भाग है, लेकिन अपनी विशिष्ट स्थितियों के कारण इसे अलग से पढ़ाया जाता है। हालांकि यह 33 महासागर का ही भाग है, जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल। तो इसे देखें तो देखिए कच्छ से लेकर राजस्थान अरावली के पश्चिम में, और हरियाणा और पंजाब का कुछ भाग, और पाकिस्तान का सिंध प्रांत का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो कुल मिलाकर के थार मरुस्थल का विस्तार जिन जिन राज्यों में और जिन जिन देशों के अंदर स्थित है वह थार का मरुस्थल कहलाता है। यहां पर विशेष रूप से जो पाई जाती है वो बालू मिट्टी, नमकीन या लवणीय बालू मिट्टी पाई जाती है, और बालू का रेत के टीले यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसको विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि किस किस प्रकार के बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल है यानी चट्टानी मरुस्थल है, ये सारी चीजें डिटेल में आएंगी। अभी हमको केवल एक भौगोलिक प्रदेश या हमको इसको एक स्थलाकृतिक प्रदेश के रूप में पढ़ना है। तो इसको ऊंचाई जो है समुद्र तल से 150 मीटर से लेकर 380 मीटर अरावली के पास में अधिकतम पाई जाती है, और इसकी लंबाई ये देखिए 640 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 160 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत पाया जाता है।
लंबाई को जो मापा जाता है, चौड़ाई जो मापी जाती है वो यहाँ से यहाँ तक 160 किलोमीटर, और लंबाई जो मापी जाती है यहाँ से यहाँ तक वो है 640 किलोमीटर मापी जाती है। तो यानी पंजाब से लेकर गुजरात तक 640 किलोमीटर का कुछ एरिया है उसके अंतर्गत फैला हुआ है, और चौड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर 160 किलोमीटर लगभग चौड़ाई में विशेष रूप से विशुद्ध मरुस्थल फैला हुआ है। तो इसे ध्यान देना है हमें। आगे देखिए थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल के अंदर नीचे प्राचीन चट्टाने गोंडवाना लैंड की पाई जाती है, अरावली के ही नीचे की तरफ प्राचीन जो है आग्नेय और कायांत्री चट्टाने इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। जो अरावली का दक्षिणी भाग है उसके अंदर ग्रेनाइट चट्टाने बहुत मिलती है। कुछ ग्रेनाइट चट्टानों के पहाड़ तो जालोर के अंदर धरातल के ऊपर भी दृष्टिगत होते हैं। इसके बाद नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप है उन प्राचीन चट्टानों के ऊपर, और उसके बाद जो ऊपरी धरातल के ऊपर हमें मिट्टी मिलती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से आती है, वो मानसूनी पवनें पवनों ने लाकर नमक युक्त बालुका मिट्टी इस क्षेत्र में जमाई है। तो कुल मिलाकर नीचे आग्नेय चट्टानों के नीचे सबसे नीचे आग्नेय चट्टाने, उसके ऊपर नदी जलोढ़ मिट्टी, और उसके ऊपर जो मिलता है वो मिलता है बालू मिट्टी का जमाव। तो ये तीन क्रम हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र के अंदर देखें तो तल्ली या ढाड़ किसे कहते हैं, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर या दक्षिण पश्चिमी पंजाब और हरियाणा के अंदर बालुका टीलों के मध्य, हमने देखा भी था पिछली स्लाइड में, बालुका टीलों के मध्य जो गर्त होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तल्ली, और उसमें वर्षा काल के अंदर पानी भर जाता है। इसी को हम राजस्थान के अंदर रण कहते हैं, जैसे पोकरण, थोबरण, बहुत सारे झीलों वाले क्षेत्र गड्ढे के बीच में पानी भरने पर इसे प्लाया झील भी कहा जाता है। अब जैसलमेर के अंदर देखा जाए तो जैसलमेर के अंदर देखिए आप, यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। वहाँ पर प्राचीन करोड़ों वर्षों पुराने जो है बहुत अच्छे वृक्षों के तने जो कि पत्थर के रूप में बदल गए हैं वो पाए जाते हैं, जिसे आकल वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। ये कास्टा अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान से लगभग 18 करोड़ साल पहले जूरेसिक और कार्बोनिफेरस युग के आसपास के ये पेड़ हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग मेथड से इसकी आयु निकाली जाती है, तो लगभग 18 करोड़ साल इन पेड़ों की आयु आती है। तो चट्टानों के बीच में ये पेड़ों के तने हमको मिले हैं। आगे चले तो फिर आता है हमारा भौगोलिक प्रदेश के अंदर तीसरा भाग, विशाल मैदान और थार के मरुस्थल के बाद चौथा भाग ये आता है जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीप किस लिए कहते हैं, तो प्रायद्वीप वह भाग होता है जो समुद्र के अंदर निकला हुआ रहता है, उसके तीन ओर पानियों, दिशाएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन समुद्र के अंदर निकला हुआ वह तिकोना भाग जिसके तीन ओर पानी है और एक तरफ भूमि से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो भारत भी हिंद महासागर के अंदर ऐसे बिल्कुल त्रिभुज के रूप में निकला हुआ भाग है, और हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में, यहां पर पूरा हिंद महासागर है, इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो यहां पर निकला हुआ एक प्रायद्वीपीय भाग है। यह प्रायद्वीपीय भाग जो है गोंडवाना लैंड, यानी वर्तमान से 20 करोड़ साल पहले जो भाग था, जो कि दक्षिणी भाग 33 महासागर के दक्षिण का भाग क्या था, गोंडवाना लैंड, उसके अंदर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल था, तो उसे गोंडवाना लैंड का ही भाग था ये प्रायद्वीपीय भारत। और उत्तरी भाग जो है वो 33 महासागर के अंतर्गत से ऊपर उठ के बना हुआ है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है जिसको प्रायद्वीपीय भाग हम कहते हैं वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। इसका मतलब यहाँ पर प्राचीनतम चट्टाने पाई जाती हैं, तो वो भी ध्यान देना है हमें। ये समस्त भाग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पठारी भाग, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर ये कन्याकुमारी तक, यहाँ तक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है ये दक्कन का पठारी प्रदेश, ये 1800 किलोमीटर लंबा है, और पश्चिम से पूर्व की ओर 1400 किलोमीटर यानी गुजरात से लेकर मेघालय तक, इसमें आएगा मेघालय, मेघालय तक जो फैला हुआ है यहाँ तक ये फैला हुआ है 1400 किलोमीटर के अंदर। औसत समुद्र तल से यदि इसकी ऊंचाई लें तो ये लगभग 600 मीटर ऊंचा है, जबकि ये वाला जो भाग है मैसूर का पठार ये सबसे ऊंचा पठारी भाग है, 900 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। तो इसे ध्यान देना है
कि प्रायद्वीपीय भारत के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, मैसूर का पठार जो कि कर्नाटका में स्थित है। अब इसका विस्तार देखें तो देखिए विस्तार कहां पर है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पठारी भाग का, उसके बाद गुजरात वाला भाग, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाता है ये वाला बिहार का और झारखंड का भाग, उसके बाद आ जाता है मेघालय का ये वाला भाग जो कि प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग था, फिर उड़ीसा का भाग आ गया, उड़ीसा के बाद यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र का भाग, और फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के भाग में ये फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर ये प्रायद्वीपीय भाग के संपूर्ण राज्यों को घेरा हुआ है, केवल छोटा सा गोवा छोड़ दें जो कि तटीय मैदान में स्थित है, तो संपूर्ण राज्यों के अंदर फैला हुआ भाग है। अब देखें प्रायद्वीपीय पठार के अलग अलग नाम कौन कौन से दिए हुए हैं, तो उत्तरी पठार, उत्तरी भाग का जो पठार है दो भागों में बांटते हैं, नर्मदा और जो महानदी है यदि उसको सेंटर माने तो कुछ भाग उत्तर के अंदर हैं, कुछ पहाड़ियां और पठारी भाग, और अधिकांश भाग हमारा दक्षिण के अंदर है। तो उत्तरी पठार को की सीमा कौन सी नदियां बनाती है, ये ध्यान देना है, नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और इधर महानदी जो कि अमरकंटक से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इन नदियों के उत्तर में स्थित समस्त पठारी प्रदेश को उत्तरी पठार कहते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे देखें तो मालवा का पठार ये आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें हम तो आता है बुंदेलखंड का पठार, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर विशेष रूप से बुंदेलखंड का पठार स्थित है। उसके बाद देखिए बघेलखंड का पठार, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ हल्का सा भाग आता है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग, इसके अंदर बघेलखंड का पठार स्थित है। इसके बाद सबसे खनिजों में महत्वपूर्ण पठार है वो पठार है छोटा नागपुर का पठार, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर फैला हुआ है। इस छोटा नागपुर के पठार को झारखंड वाले भाग को हम कहते हैं रांची का पठार, और इस उत्तरी भाग को कहते हैं हजारीबाग का पठार। तो रांची और हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठार के ही हिस्से हैं, इसे ध्यान देना है। रांची का पठार पूछा जाता है बार बार, तो झारखंड के अंदर स्थित है रांची का पठार। उसके बाद छोटा सा पठार आता है ये यहाँ पर शिलोंग का पठार कहते हैं, और शिलोंग प्लेटू के अंदर पहाड़ियाँ भी हैं वो भी हम देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों के अंतर्गत देखेंगे गारो, खासी और जयंतियाँ। तो इसमें देखिए सबसे पश्चिम में गारो है, फिर मध्य में खासी है, और फिर लास्ट में पूर्व के अंदर जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। इसकी लोकेशन भी अगले स्लाइड्स में हम देखने जा रहे हैं। इस पूरे भाग के अंदर जो चट्टाने पाई जाती हैं वो सबसे प्राचीनतम, यानी पृथ्वी जब तरल पदार्थ से ठोस हुई वह आग्नेय चट्टाने भी इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद आग्नेय चट्टाने जो रूपांतरित होती हैं, कायांतरण होता है तो नीस और सिस चट्टानों में होता है, तो ये चट्टाने भी, रूपांतरित चट्टाने भी यहाँ पाई जाती है, और उन चट्टानों के ऊपर पाया जाता है लावा का जमाव जो क्रिटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत पर बहुत सारा लावा निकला, तो उससे निर्मित चट्टान है बेसाल्ट, वो इसके ऊपर पाई जाती है, और बेसाल्ट के टूटने फूटने से विखंडन और वियोजन से बनी है काली मिट्टी, तो ये काली मिट्टी का जमाव सबसे ऊपर धरातल पर पाया जाता है। तो ये जो पठारी प्रदेश हैं उसके अंदर हम देखें दक्षिण के पठार देखें पहले, तो दक्षिण के पठारों के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहले दक्कन का पठार जो कि विशेष रूप से महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है, नर्मदा नदी के नीचे गुजरात का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। मुख्य दक्कन का पठार विशेष रूप से महाराष्ट्र में है, जहां पर 2000 मीटर से भी गहराई तक बेसाल्ट की चट्टाने यानी लावा का जमाव हुआ है। फिर आता है दंडकारण्य पठार, तो दंडकारण्य पठार जो है ये वाला भाग है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित भाग, दंडकारण्य पठार के रूप में जाना जाता है। तो इस भाग को हम जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य पठार कहते हैं। इसके बाद आता है तेलंगाना राज्य के अंदर तेलंगाना का पठार, जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है राज्य तेलंगाना उत्तर पश्चिम के अंदर, उसे हम कहते हैं तेलंगाना का पठार। इसके बाद महाराष्ट्र का पठार आता है, और महाराष्ट्र का पठार वाला भाग ये दक्कन का पठार ही है, महाराष्ट्र का पठार कहलाता है, इसे ध्यान देना है। तो महाराष्ट्र का ही मुख्य दक्कन का पठार कहलाता है। इसके बाद कर्नाटक का पठार, जो विशेष रूप से कर्नाटका के अंदर जो तटीय भाग के अंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके पूर्व के अंदर स्थित कर्नाटक का पठार है। इसी का दक्षिणी भाग
कर्नाटक के पठार का ही दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मैसूर का पठार। ये इस समस्त प्रायद्वीपीय पठारों में सबसे ऊंचा पठार है, इसे ध्यान देना है, मैसूर का पठार जो कि कर्नाटक के दक्षिणी भाग में आता है। इसके बाद तमिलनाडु के अंदर यहां पर कोयम्बटूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में माल नद का पठार आता है जो विशेष रूप से तमिलनाडु में फैला हुआ है, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य में। इस पठार पर हमें ध्यान देना है कि यह पठार प्राचीन चट्टानों का है और कायांत्रिक चट्टानों का है, तो इस पठार के ऊपर मैग्नीज जैसे उड़ीसा वाले भाग में बहुत अधिक पाया जाता है। इसके बाद लोहा, ये झारखंड छोटा नागपुर पठार के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे ही कर्नाटक के पठार में सोना की खाने, कोलार माइंस जो हैं वो सोना की खाने पाई जाती हैं। ऐसे ही कोयले के साथ साथ जो इस भाग में रानीगंज बोकारो और ये वाला क्षेत्र है, कोयले के साथ साथ हीरा भी मिलता है। तो भारत में पाए जाने वाला 98% कोयला, संपूर्ण कोयले में से 98% कोयला ये वाला भाग और कर्नाटक और इस भाग के अंदर लिग्नाइट कोयला जो पाया जाता है, वो समस्त भाग तमिलनाडु के इस भाग के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इस भाग के अंदर भारत का 98% कोयला भी पाया जाता है। तो इसे हम ध्यान देना है कि ये पठार खनिजों के लिए, कोयला के लिए और इसका तटीय प्रदेश पेट्रोलियम और गैस के लिए भी जाना जाता है। साथियों, अब आगे प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ पठारों के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत के चारों ओर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, उनको हम देखते हैं। अब तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम के अंदर राजस्थान के अंदर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर ये पहाड़ी फैली हुई है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर ये पहाड़ी फैली हुई है जिसे हम कहते हैं अरावली। ये पहाड़ी एक वलित अवशिष्ट पर्वत है जो प्राचीनतम है, ये पूरे विश्व की प्राचीनतम पहाड़ियों में से है। उत्तरी अमेरिका के यूएसए की अपलेशियन पर्वत श्रृंखलाओं के साथ साथ और उनसे कुछ पहले निर्मित हुई हैं और वर्तमान में ये एक छोटी टेकरियों के रूप में स्थित है और इसमें प्राचीनतम आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। अगली पहाड़ी देखें हम प्रायद्वीपीय भारत में, तो है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो विंध्याचल कगार और विंध्याचल की पहाड़ियाँ मध्य भारत के अंदर विशेष रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ तक जा रही हैं। आगे देखें हम तो इसके बाद आती है नर्मदा के दक्षिण में, विंध्याचल थी उत्तर में और नर्मदा के दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं, वो है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में से। अब सतपुड़ा पहाड़ियों के नीचे ताप्ती नदी है और ताप्ती नदी से नीचे है अजंता की पहाड़ियाँ। तो मध्य भारत के अंदर ये अजंता की पहाड़ियाँ हैं जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर आती हैं। तो विशेष रूप से अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अधिकांशतया और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर स्थित हैं। अब देखें हम तो पश्चिमी घाट यानी प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर में सूरत के आसपास से ताप्ती नदी से लेकर के और नीचे पूरा कन्याकुमारी तक फैली हुई हैं जिसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। इन पश्चिमी घाट के अंदर भी दो विशेष रूप से पहाड़ियाँ हैं, ऊपर जो ताप्ती से लेकर के और लगभग लगभग नीलगिरी पहाड़ियों तक का क्षेत्र है उसे सहयाद्री पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। नीलगिरी से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जो फैली हुई है उसको कहते हैं हम कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ गर्म मसालों में इलायची सबसे ज्यादा पैदा होती है तो इन्हें इलायची की पहाड़ियों का नाम दिया गया। अब देखिए आगे ये है थाल घाट, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं विशेष रूप से यहां पर कुछ पहाड़ियों के हिस्से का महासागर में अवतलन हुआ है। पहाड़ी होती है ये देखिए ऐसे, लेकिन वास्तव में जो हमारा पश्चिमी घाट है इस पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं यहां से भ्रंश आकर के और नीचे ये वाला हिस्सा नीचे चला गया है। तो पहाड़ियां कैसे बनी हुई है, अब इस तरीके से बनी हुई है पहाड़ियां। तो ये वाला जो भाग आ गया ये भाग विशेष रूप से बिल्कुल खड़ा ढाल का बन गया है और खड़ा ढाल का बनने के कारण यहां पर इन पहाड़ियों को पार करना मुश्किल है। तो जिन क्षेत्रों में पहाड़ी की चोटियां नीचे हो गई है यानी दर्रे बने हुए हैं वहीं से इनको पार किया जा सकता है। तो एक दर्रा है जिसे हम थाल घाट कहते हैं, ये मुंबई के जस्ट उत्तर के अंदर है। तो मुंबई से यदि नासिक की तरफ हम राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे मार्ग जो निकाला है वो इसी थालघाट दर्रे से होकर के जाता है। इसके नीचे थोड़ा सा है भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट दर्रा भी
मुंबई से लेकर पुणे तक राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे मार्गों के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं में थोड़ा सा नीचा भाग है, इसलिए यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे मार्ग निकाले जा सकते हैं, बाकी जगहों पर आसानी से पार नहीं किया जा सकता। दक्षिण के अंदर एक मुख्य दर्रा है जिसे कहते हैं हम पाल घाट दर्रा। तो ये जो दर्रा है वो विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु के लिए राजमार्ग और रेलवे मार्ग बनता है यहां से। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ स्थित एक दर्रा है जो कि अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य में एक निचला स्थान है, उससे होकर के राजमार्ग निकाले गए हैं। तो इन्हें ध्यान रखना है तीनों दर्रों को। सबसे उत्तर में क्रम से भी पूछा जाता है थाल घाट है, फिर भोर घाट है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, जबकि केरल और तमिलनाडु पर ये जो दर्रा है पाल घाट ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये दक्षिण में है। हम आगे देखें अन्य पहाड़ियों को, तो ये है अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर ही दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी पाई जाती है। तो यहां पर दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी क्षेत्र में है, 2695 मीटर इसकी हाइट है, वो अन्नामलाई पहाड़ियों के और जो कार्डेमम हिल्स हैं उनके लगभग लगभग मिलन स्थल के निकट स्थित एक ऊंची चोटी है। अगली देखें तो नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियां विशेष रूप से जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, इस साइड में जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं और पश्चिमी घाट की जो सह्याद्री पहाड़ियां और कार्डेमम पहाड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम करती हैं। तो एक तरीके से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य एक सेतु का कार्य करती है नीलगिरी पहाड़ियां। अब देखें नीलगिरी पहाड़ियों के बाद पूर्वी घाट की महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं नल्ला मल्लाई। ये आंध्र प्रदेश में स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई इस स्थान पर जो कि दक्कन के पठार के लगभग दक्षिणी पूर्वी भाग में फैली हुई है, कर्नाटक पठार और आंध्र प्रदेश का जो पठार है आंध्र प्रदेश के पठार के अंदर स्थित है। अन्य पहाड़ियों के अंदर आती है महेंद्रगिरी जो कि आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा उड़ीसा के अंदर दक्षिणी उड़ीसा में फैली हुई है। तो पूर्वी घाट के अंदर तट के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक पहाड़ी है महेंद्रगिरी, बाकी जगहों पर तट से काफी अंदर की तरफ पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, काफी बड़े चौड़े तटीय मैदान स्थित हैं। अन्य पहाड़ियों के अंदर देखते हैं हम तो गढ़जात पहाड़ियां हैं जो उड़ीसा और झारखंड के अंदर स्थित हैं। तो ये गढ़जात पहाड़ियां बिल्कुल छोटा नागपुर पठार के जस्ट नीचे की ओर दक्षिण पूर्व की तरफ जो है हिस्से में बनी हुई है। अन्य पहाड़ियों के लिए देखें तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर एक दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, उसे कहते हैं बालाघाट पहाड़ी। ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और शिवाजी के जो अधिकांश किले थे वो इन्हीं बालाघाट और इसके नीचे जस्ट है हरिश्चंद्र पहाड़ियां, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर शिवाजी ने बहुत सारे किलों का निर्माण भी करवाया था। आगे देखें तो ये देखिए सतपुड़ा पहाड़ियों से थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो आती है महादेव पहाड़ियां, और महादेव पहाड़ियां जो है उसी के पास से एक है अमरकंटक का पठार जहां से नर्मदा नदी और महानदी का उद्गम होता है, सोन नदी का उद्गम होता है, वो इसी क्षेत्र के अंदर है। और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी इसी महादेव पहाड़ी के अंदर स्थित है। आगे देखें तो उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर कैमूर पहाड़ियां और कैमूर पहाड़ियों से आगे आती है बेकाल पहाड़ियां और उससे आगे आती हैं राजमहल पहाड़ियां। तो ये मध्य भारत की चार पहाड़ियां विशेष रूप से ध्यान रखनी है हमें, महादेव पहाड़ियां, कैमूर पहाड़ियां, फिर उसके बाद बेकाल और उसके बाद राजमहल पहाड़ियां। इनकी लोकेशन देखते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर स्थित हैं क्रमशः ये। अब एक पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का है लेकिन बांग्लादेश के ऊपर की ओर है, ऐसा लगता है वो हिमालय का भाग है लेकिन वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भाग है शिलोंग का पठार। शिलोंग के पठार के अंदर जो विशेष रूप से मेघालय में स्थित है, शिलोंग के पठार में तीन पहाड़ियां भी है। सबसे पश्चिम में है गारो पहाड़ियां, ये देखिए यहां पर, तो सबसे पश्चिम के अंदर गारो पहाड़ियां हैं। गारो पहाड़ियों के आगे थोड़ा सा पूर्व में चलते हैं तो वी आकार के अंदर पहाड़ियां हैं खासी और उससे आगे जयंतिया पहाड़ियां हैं। विशेष बात क्या है, खासी पहाड़ियों के अंदर वी आकृति में है तो पवने आर्द्रता युक्त पवने बंगाल की खाड़ी से ऊपर की ओर उठती हैं और एकदम से ऊपर उठने की वजह से वहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है, इसीलिए खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मां सिनराम में सबसे ज्यादा विश्व की वर्षा प्राप्त होती है। तो ये भाग था जो कि प्रायद्वीपीय पहाड़ियों का था। तो इतनी पहाड़ियों को हमको ध्यान रखना होगा कि राज्य के हिसाब से
या फिर पहाड़ियां कहां पर स्थित है, ये स्थिति को लेकर के कई प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। कुछ पहाड़ियां और बच गई हैं जो अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए आगे, ये देखिए तो प्रायद्वीप की पहाड़ियां और कुछ चोटियां भी देखें उनकी लोकेशन। तो देखिए ये पहाड़ी है हरिश्चंद्र पहाड़ी, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको लोकेशन करके बताई थी। तो ये भी महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से निकलकर और दक्षिण पूर्वी दिशा के अंदर जाती है। तो ये है हरिश्चंद्र पहाड़ियां। इसके नीचे देखें तो एक छोटी सी पहाड़ी है पालनी पहाड़ियां। पालनी पहाड़ियों से थोड़ा ऊपर पे चलें तो शिवराय पहाड़ियां हैं, ये तमिलनाडु में स्थित हैं तो दोनों। और इसके बाद जावदी पहाड़ियां हैं। ये तीनों पहाड़ियों का समूह तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जो कि मालनद पठार के उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है और दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार का अंतिम सीमा, दक्षिणी पूर्वी सीमा भी बनाती है ये पहाड़ियां। इसके अतिरिक्त एक पहाड़ी है जो है शेषांचलम पहाड़ी। शेषांचलम पहाड़ी भी तमिलनाडु और कर्नाटक। इसके बाद है वेलिकोंडा, जो कि नल्ला मल्लाई पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल उसी के समानांतर। इस पूरे एरिया के अंदर नल्ला मल्लाई पहाड़ियां हैं और इसी के पूर्व के अंदर वेलिकोंडा पहाड़ियां हैं, जो कि समानांतर स्थित है। अब आगे देखें तो महेंद्रगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो महेंद्रगिरी चोटी है। उसकी ऊंचाई है 1501 मीटर और इसमें गड़जात पहाड़ियों के अंदर मलेगिरी नाम की चोटी है, वो है 1187 मीटर। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से है दोनों और प्रसिद्ध चोटियों में से है, तो इनको ध्यान देना है। महेंद्रगिरी श्रृंखला में ही चोटी है, उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास में स्थित है और पूरी तरीके से मलेगिरी चोटी जो है वो उड़ीसा में स्थित है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ियां हैं उसी के अंदर मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर, तो इसे ध्यान देना है। इसके बाद देखिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटी है महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई से थोड़ा सा उत्तर पूर्वी भाग के अंदर स्थित है कलसुबाई, यह है 1646 मीटर ऊंची। अब दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी, अन्नाई मुड़ी के बाद में दक्षिणी भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, वो है दोदा बेटा। ये नीलगिरी पहाड़ियों में जो चोटी है उसी के अंदर स्थित है 2637 मीटर। और अन्नाई मुड़ी चोटी जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो अन्नामल्लाई पहाड़ियों के अंदर यहां पर स्थित है और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अन्नाई मुड़ी चोटी है 2695 मीटर। आगे देखें हम तटीय मैदान। अब तटीय मैदान जो है वो हमारा पांचवा बहुत भौगोलिक प्रदेश है, तो इसे देखा जाए तो यहां से कच्छ की खाड़ी से उत्तर से लेकर कच्छ के प्रायद्वीप से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक और पूर्वी भाग में चलता हुआ गंगा के डेल्टा प्रदेश तक स्थित है। तो कुल मिलाकर ये 1500 किलोमीटर लंबा जो तटीय मैदान है वो पश्चिमी भाग कन्याकुमारी से लेकर कच्छ की खाड़ी तक का भाग 1500 किलोमीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है औसत रूप से 64 किलोमीटर चौड़ा है, तो इसको ध्यान रखना है। ये तटीय मैदान बहुत ही सकड़ा तटीय मैदान है और काफी कटाफटा मैदान है, क्योंकि यहां पर जो ये कच्छ और सौराष्ट्र का जो भाग है ये एक निमज्जित मैदान है। इसका मतलब ये प्रदेश जो है सागर के अंदर डूबा है, इसीलिए द्वारका जो यहां पर स्थित है वो भी हमें सागर में डूबी हुई मिलती है। तो ये एक निमज्जित मैदान है, जबकि कोंकण का जो मैदान है जो कि सूरत से लेकर के गोवा तक स्थित है ये एक उमज्जित मैदान है, इसीलिए यहां पर भृगु पाए जाते हैं, जबकि इस वाले भाग के अंदर भृगु नहीं पाए जाते। तो ये निमज्जित मैदान हुआ। और मालाबार का जो मैदान है ये भी एक निमज्जित मैदान है, यहां पर भी लैगून झीलें या कयाल पाए जाते हैं, तो ये एक दंतुरित मैदान है और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुजरात में जो तटीय मैदान है इसे कच्छ का मैदान और इसे सौराष्ट्र का मैदान कहा जाता है, जो सौराष्ट्र प्रायद्वीप पर है। यहाँ पर जो भाग है ये एक निमज्जित मैदान है और इस भाग को गुजरात का तटीय मैदान कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सकड़ा तटीय मैदान है। इसके बाद दमन दीव या सूरत से लेकर गोवा तक का जो मैदान है, कोंकण का मैदान जो है
वो दमन द्वीप और सूरत से लेकर गोवा तक स्थित है और यह एक उत्थित मैदान है और यहाँ पर बहुत ही सकड़ा मैदान पाया जाता है और कुछ द्वीप समूह और कटाफटा मैदान पाया जाता है जो कि 500 किलोमीटर लंबा है और अनेक प्राकृतिक बंदरगाहों से युक्त है। यहाँ पर 7 द्वीपों पर बसा हुआ नगर मुंबई भी स्थित है, तो सबसे महत्वपूर्ण नगर इसी कोंकण तट पर स्थित है। इसके बाद गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार का तटीय मैदान कहलाता है। इसे 2 उपभागों में भी बांटा जाता है, गोवा से लेकर मैंगलोर तक कर्नाटक का तटीय मैदान और मैंगलोर से लेकर जो आता है कन्याकुमारी तक वो है केरल का मैदान। तो इस पूरे भाग के अंदर गोवा से मैंगलोर का जो मैदान है वो 225 किलोमीटर लंबा कर्नाटक का मैदान कहलाता है, जबकि मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का भाग 500 किलोमीटर का भाग है ये केरल का मैदान कहलाता है। यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं जिसे हम कयाल झीलें भी कहते हैं और जो कार्डेमम पहाड़ियों से निकलकर नदियाँ इनके अंदर गिरती है, तो इन झीलों के अंदर कुछ जगहों पर मीठा पानी भी पाया जाता है जिसे बैक वाटर कहते हैं या पश्च्य जल कहते हैं और उससे चावल के खेतों के अंदर सिंचाई भी की जाती है। तो ये वाले भाग जहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती है उन्हें कयाल कहा जाता है। जैसे सबसे प्रसिद्ध जो कयाल है वो है वेम्बनाद कयाल या वेम्बनाद लैगून झील। आगे चलते हैं अब पूर्वी तटीय प्रदेश। पूर्वी तटीय प्रदेश को हम देखें तो ये स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक 1800 किलोमीटर लंबा है और 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक चौड़ा है और ये वाला भाग गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर 480 किलोमीटर तक चौड़ाई में मिलता है। उत्कल का जो मैदान है इसके अंदर विभिन्न भाग हैं। सबसे पहला उत्कल का मैदान देखें तो स्वर्ण रेखा नदी से लेकर ऋषिकुल्य नदी के क्षेत्र तक ये मैदान पाया जाता है, विशेष रूप से पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के अंदर फैला हुआ मैदान है। इसी मैदान के अंदर चिल्का झील भी स्थित है। अगला देखें तो पूर्वी तटीय मैदान के अंदर आंध्र प्रदेश का तटीय मैदान और उड़ीसा दक्षिणी उड़ीसा का जो मैदान है उसे हम कहते हैं उत्तरी सरकार का मैदान। यहाँ पर गोदावरी कृष्णा का डेल्टा और पुलिकट झील जो कि एक तटीय लैगून झील है पाई जाती है। इसके बाद पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का क्षेत्र तमिलनाडु का मैदान कहलाता है जिसे हम कोरोमंडल मैदान भी कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में सबसे दक्षिण का जो मैदान है वह तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में स्थित है और पुलिकट झील से आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर लंबाई में। इस प्रदेश के अंदर कावेरी पेन्नार वेगई नदियों के डेल्टा हैं। इसमें देखें तो कावेरी पेन्नार और वेगई नदियों के डेल्टा क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित हैं और ये डेल्टा इतने उपजाऊ माने जाते हैं कि यहाँ पर एक हाथी बैठने की जितनी जगह पर यदि वर्ष में 3 फसलें चावल की जाए तो एक परिवार का भरण पोषण आराम से हो सकता है, इतना अधिक उपजाऊ डेल्टा है कावेरी का डेल्टा। तो ये तटीय मैदान भारत के अंदर चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे चलें तो भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूह देखें तो भारत के अंदर 247 द्वीप हैं टोटल मिलाकर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में और सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं वो है बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 205 द्वीपों का समूह है। तो इसके अंदर सबसे उत्तर के अंदर जो द्वीप हैं वो है उत्तरी अंडमान, इसको मेन द्वीप देखें, फिर उसके बाद मध्य अंडमान, इसका क्रम याद रखिएगा पूछा जाता है, और फिर है लोअर अंडमान यानी लघु अंडमान जिसके अंदर पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी भी है तो इसको ध्यान रखना है, और फिर इसके बाद में है लिटिल अंडमान। तो देखिए लोअर और लिटिल इसके अंदर ध्यान रखना है, यह है लिटिल अंडमान दक्षिण के अंदर और यहाँ पर है लोअर अंडमान, तो इसको ध्यान रखना है। लोअर अंडमान मतलब निचला अंडमान और लिटिल अंडमान मतलब छोटा अंडमान। तो इसका जो उच्चारण आता है एग्जाम्स के अंदर वो लोअर और लिटिल अंडमान के नाम से ही आता है, हम हिंदी अनुवाद करते समय छोटा और निचला कर देते हैं लेकिन ऐसा आता नहीं है। फिर उसके बाद दक्षिण में देखें तो दक्षिणी भाग के अंदर निकोबार द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह के अंदर कार निकोबार द्वीप समूह सबसे उत्तर में है और उसके बाद
ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी भाग ही इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग भी है। 6 डिग्री और 45 मिनट अक्षांशों पर भारत का सबसे दक्षिणतम भाग इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसको ध्यान रखना है, इन द्वीपों के नाम क्रमशः है और इनके बीच में से गुजरने वाले चैनल जो पिछली क्लास में मैंने बताए थे 10 डिग्री चैनल और डक्कन पास, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद देखें तो अरब सागर के अंदर स्थित जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप, उसको यदि देखा जाए तो इसके अंदर जो सबसे मेन द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है कावारती द्वीप, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है कावारती। ये समस्त द्वीप जो हैं वो कोरल द्वीप हैं। कोरल का मतलब चूना द्वीप हैं, प्रवाल भित्तियों के द्वारा बनाए हुए द्वीप हैं। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश द्वीप जो हैं वो ज्वालामुखी द्वीप हैं, अराकान युमा पर्वत श्रृंखलाओं का ही आगे विस्तार माने जाते हैं। इसके अंदर देखें तो यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप है दक्षिण के अंदर, और मिनिकॉय द्वीप से मध्य में से होकर एक मार्ग गुजरता है, वो कौन सा मार्ग है बताएंगे आप में से कोई? वो है कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय के दक्षिण से होकर और मालदीव्स के मध्य से होकर, मिनिकॉय और मालदीव्स के मध्य से होकर 8 डिग्री चैनल गुजरता है, जो पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप अरब सागर के द्वीप हैं जो कि प्रवाल द्वीप हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के यहाँ पर स्थित द्वीप हैं जो कि अधिकांशतया ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसको यदि देखें तो इसमें देखिए ज्वालामुखी द्वीप की बात आई तो क्या भारत के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत के अंदर जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही। यहाँ पर स्थित है बेरन और नारकोंडम, दो द्वीप हैं। ये देखिए यहाँ पर दो पॉइंट दिखा रखे हैं, ये हैं बेरन और नारकोंडम, तो ये भारत के सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ से जलवाष्प और धुआं लगातार निकलता रहता है और कभी कभी लावा भी यहाँ से निकलता है। तो भारत के दो सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही हैं, वो कौन कौन से हैं? बेरन और नारकोंडम। अब साथियों देखते हैं हम गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को, जो पहले मैंने दिखाया था, अब देखते हैं इसके आंसर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 2013 में आया। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, किसने सुझाया था बताएंगे आप? ये सुझाया था एसपी चटर्जी द्वारा। एसपी चटर्जी ने मेघालय का जो नाम सुझाया था, मेघा का मतलब होता है बादल और आले का मतलब होता है स्थान, यानी बादलों का स्थान, क्योंकि वर्ष में अधिकांश समय पर मेघालय का जो पठार है, शिलोंग का पठार और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, वो बादलों से ही आच्छादित रहती हैं, ढकी हुई रहती हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ मेघालय। अगला प्रश्न देखें तो ये सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम्स के 2016 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो कौन सी है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखी थी, तो बताएं कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? ये है अन्नाईमुड़ी। तो अन्नाईमुड़ी चोटी कहाँ पर स्थित है? अन्नावल्लाई पहाड़ियों में, तमिलनाडु के अंदर। ऐसे ही नीलगिरी, गोमनपुर और अमरकंटक मध्य भारत के क्षेत्र में स्थित चोटियां हैं। अगला देखें, डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है, तो कौन से महासागर के अंदर डियागो गार्सिया द्वीप है वो देखते हैं। भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। तो बताइए डियागो गार्सिया की लोकेशन कहां पर है? हमने देखा था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम के अंदर चलते हैं, तो मालदीव्स और मालदीव्स के पास में ही डियागो गार्सिया है, थोड़ा सा पश्चिम में। तो डियागो गार्सिया कहां पर हुआ? हिंद महासागर में, क्योंकि मालदीव्स और लक्षद्वीप कहां है? हिंद महासागर में। तो ये थे हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। तो अब आगे है गृह कार्य के प्रश्न, और कल ये गृह कार्य के प्रश्न हम हल करेंगे। आपको ध्यान से पढ़कर इन गृह कार्य के प्रश्नों को हल करना है। आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।